खाते में ले जाने वाले साहब बारह लाख का चेक दे रहे इन्होंने छत्तीस लाख रुपए का बैनम हुआ छत्तीस लाख का ये पैसे बैनाम में ऊपर के हैं चौतीस लाख क्यों साल पहले चौतीस लाख पैसे लग गए इन्होंने क्या मगर आ गया बिजनौर में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यहां पर भी अब महानगरों की तर्ज पर लूट हत्या डकैती और बलात्कार होने लगे हैं। ऐसा लगता है कि बदमाशों के दिल में अब कानून का डर रहा ही नहीं। तभी तो शहर के एसपी के इतने सख्त होने के बावजूद भी लोग अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। नया मामला लूट का है जिसमें धामपुर निवासी रानी देवी पत्नी मनोज कुमार ने एसपी बिजनौर को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि उन्होंने 19 अगस्त को लक्की पुत्र सुधीर कुमार निवासी एसडीएम कोर्ट धामपुर को अपने एक 312 गज के प्लॉट जिसकी कीमत लगभग 33,89,600 रुपये थी का बैनामा कराया था, जिसमें लक्की ने 4 लाख रुपए बयाने के तौर पर दे दिए। 13 लाख रुपए के चेक बैनामे में लिखवाए गए और बाकी रकम जो 16,89,600 थी नकद देने की बात कही गई। रानी देवी ने आरोप लगाया है कि बैनामे के समय सब कागजात तैयार होने के बाद लक्की ने उनसे नोटों से भरा बैग जबरदस्ती छीन लिया और उनके सीने पर भी कई हाथ मारे। विरोध करने पर गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। रानी देवी का कहना है कि उन्होंने उनके बेटे और पति को भी मारा पीटा तथा फोन करके और लोगों को भी मौके पर बुला लिया। आरोप है कि मारपीट करते हुए ये सब लोग नोटों से भरा बैग लेकर भाग गए। दंपत्ति का कहना है कि उन्होंने तुरंत ही पुलिस को इसकी सूचना दे दी थी, मगर पुलिस शाम को 6 बजे घटनास्थल पर पहुंची। घटना के समय मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। जमा भीड़ में से ही कुछ लोगों ने पूरा मामला अपने मोबाइल में कैद कर लिया। रानी देवी ने एसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में अपने परिवार को जान माल का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई और अपने रुपए वापस दिलाने की मांग की। बताओ क्या घटना हुई? सर कल मेरी बाइक के नाम सर एक 312 गज का प्लॉट था सर, उसका हमने बैनामा कराया सर जहाँपुर तहसील में। सर जब बैनामा कराया उन्होंने, हमने कहा कि हमारे पैसे तो, बोले ये पैसे बैग में हैं आपके, ये बैग भरा हुआ था सर नोटों से, बोले बैग। हमने कहा कि आप हमें हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कराओ, बोले मैं अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कराऊंगा, ये नंबर दो का पैसा है, मैं कैश दूंगा। बोला हमें कैश नहीं देना, हमारे अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करो, हम ऐसे पैसे नहीं लेंगे। तो सर उन्होंने बैनामा हमसे अंगूठा साइन करा लिया, ठीक है हम वो देते थे 13 लाख रुपये। सर उन्होंने चेक दिए सर 39 लाख में सर, बाकी जो नोटों का भरा बैग था सर वो हमें दे के वो सर छीन के भाग गए। मेरी वाइफ रानी देवी को गुजा मारा सर, मेरे लड़के को मारा सर, गुजा मारा सर, मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करी सीने पर से कैसे मारा सर, हाथ मारे शीरे को खींचा सर पकड़ पकड़े कई बार। आज आप बिजनौर आए हो, किससे मिले आज? सर कप्तान साहब के यहाँ इंस्पेक्टर साहब को सर फोन किया मैंने 4:05 बजे सर तहसील से फोन किया। इंस्पेक्टर साहब बोले
कोई पुलिस हवा थोड़ी है उड़का आ जाएगी। तो सर मैंने फिर बार बार फोन किया तो इंस्पेक्टर साहब बोले बार बार फोन मत करो, जब समय होगा हम आ जाएंगे। सर कुल मिला के आपकी सुनवाई नहीं हो रही? सर सुनवाई नहीं हुई सर, थाने में गए सर, थाने में 12 बजे थे सर, वहाँ रहे तो इंस्पेक्टर साहब बोले घर जाओ सुबह वो देखता हूँ सर। फिर हमने सुबह इंस्पेक्टर साहब से कहा, बोले गाँव में एक कब्जे का मसला है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, फोन कर दूंगा आपको, तब आप थाने आना। सर अभी तक इंस्पेक्टर साहब को कोई फोन नहीं आया हम पे। खाते में लेने वाले साहब 12 लाख का चेक दिया था इन्होंने, 35 लाख रुपए का बैनामा हुआ, 36 लाख का। ये पैसे बेनामे से ऊपर के है, ऊपर के दो पैसे हैं, पैसे ला दिए इन्होंने, बयान करा दिया। साइन कराओ।